जी सलाम अलैकुम असद। माशाल्लाह जी ज्वेलरी आप ही जो है इस वक्त माओं को बिनते फातिमा होटलों में सर्व कर रही हैं, और जो है आज का मेन्यू क्या है ये ज्वेलरी आप ही और यहाँ जो अस्सलाम वालेकुम इस तरफ और क्या मेन्यू है ये थोड़ा आप भी बताइए, फिर ज्वेलरी आप भी बताएंगी, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। आज ना मेरे पास मुशर्रफ है, मुशर्रफ के बेटे ने बड़े अच्छे नंबर पास करके और वो अपनी तालीम के लिए दूसरी जगह पंजाबी से मुल्क जाना था। अच्छा अच्छा। तो उसकी मुशर्रफ के दामाद और बेटी ने आज ये सारा इंतजाम करवाया जी। और उनके लिए सारी महफिल सजी हुई थी, अल्लाह पाक की सारी दुआएं जितनी भी मांगी गई है ना अल्लाह पाक उनके बेटे की तरक्की के लिए आए, आमीन। और अपने माँ बाप के लिए सत्ता जारी, आमीन। और ये जो बेटी जो आपका साथ दे रही है वॉलंटियर, ये अल्लाह की रहमत है इस पे कि बिनते फातिमा इसकी दीवार के साथ आ गया हुआ है, माशाल्लाह। ये अल्लाह की मर्जी से और हर बात पे कदम कदम पे दोनों मियां बीवी असद का कंधा बने हुए हैं ये, और अल्लाह इसके माँ बाप को भी सेहत वाली जिंदगी दे, जितनी प्यारी है बेटी है ना ये बहुत खिदमत गुजार है अपनी माँ बाप की भी, बहन भाइयों की भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत नजदीक से आपको क्या सुकून मिलता है, मतलब और भी तो काफ़ी जगह हैं आपको लोग इतना इनवाइट करते हैं, आप बिनते फातिमा माओ के पास ये क्या ताल्लुक है? भाई मसला ये है कि इंसान कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, और जब जो भी सच्चाई होती है ना वो और नेकी जो होती है असल नेकी और असल सच्चाई वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है अगर वो खुद नहीं खोलते। सही बात। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लोगों को नेकी करता देखते हैं और फिर उनके अंदर चेंज आता है, बदलाव आता है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं अल्लाह पाक हमारा ईमान और ताज़ा करता है और पुख्ता करता है, और हमारा भी दिल चाहता है कि काश हम सोचते काश हम भी इस घर का एक हिस्सा होते, कोशिश करते हैं इस घर का हिस्सा बनने की। तो यहाँ पे इसलिए मुझे अपनाइयत महसूस होती है, तो तमाम माएँ हैं दुखी माएँ हैं बेसहारा माएँ हैं, और फिर जिस तरह आप लोग, मैं आप लोगों को 7-8 साल से जानती हूँ माशाल्लाह, बगैर किसी गर्ज के बगैर किसी मतलब के फी सबीलिल्लाह आप लोग इस तरह इन माओं की खिदमत कर रहे हैं और इनको इस तरह से रखा हुआ है कि इनके तमाम काम आप लोग खुद अपने हाथों से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी नर्सेज और बड़े नौकर चाकर रखे हुए, सब काम खुद अपने हाथों से करते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं खिलाते हैं नहलाते हैं जलाते हैं प्यार करते हैं। तो ये अपनाइयत और ये प्यार और ये सच्चाई जो है वो हमें यहाँ पे बार बार खींच कर लाती है, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है जब तक सांस आ रही है हम आपका साथ देंगे, आमीन सुबह आमीन। तो बस ये इसी तरह जो है वो ज्वेलरी आपकी जो है वो एक माँ जो है बेटी बन के ज्वेलरी आपकी को जो है काम लग जाती है, और ज्वेलरी आपकी जो है यहाँ पर आते साथ ही इन माँ को जो खाना सर्व करती हैं फिर वो किस तरह से इनके दिल को सुकून मिलता है यकीन जानिए, और इनकी किस तरह आपस में इनसे बात होती है। ज्वेलरी आपकी आपकी दोस्तियाँ हो गई हैं इनसे? सब मेरी पक्की दोस्त है, अभी मैं अमेरिका गई हुई थी आई हूँ तो सब कह रहे कहाँ थी भाई तुम इतने दिन से। अच्छा। मैंने कहा मैं मिल के तो गई थी, इतना लंबा चली गई, मैंने कहा हाँ ससुराल का मामला था जाना था जरूर। क्या बात है क्या बात है। अरे उनका वो कबाब नहीं आया? हाँ मेरा खैर उनका कबाब नहीं है, आप कबाब देंगे मैं ला कर देता हूँ। उनका ध्यान रखना, उनको बिठाना, उनको समझाना, ज्वेलरी आप ही बस आप भी अनकरीब जो है मुझे लगता है बुजुर्गों को संभालने में, और मुझे पता है कि आप अपने वालदैन के साथ भी इस तरह करते होंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप अपने वालदैन के साथ नहीं करते हो, ये तब चीज़ें निकलती हैं। मेरे माँ बाप का इसमें बहुत आ रहा है कि हमारे वालदैन ने हमें तरबियत ऐसी दी है, और हम उस जमाने के लोग हैं कि जब हम नानियाँ दादियाँ हमने सबके साथ ज़िंदगी गुजारी है, दादा भी हमारे माशाल्लाह जब जिंदा थे तो मैं बड़े होशो आवास में थी और हम उनके साथ हम खिदमत करते थे, टांगे दबाते थे और सर में तेल लगाते थे, बाल बनाते थे, कंघी करते थे, तो ये सारी चीज़ें जा नमाज भी चाहते थे उनके लिए, तो ये सारे काम करते थे, अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी कि हमने किया, और मेरी कोशिश यही होती है कि अल्लाह पाक आज के दौर में भी सबको इसी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रखे, क्योंकि बुज़ुर्गों के घर में होने से बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, उनकी तरबियत बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप एक बड़ा तलख सा सवाल है, आप यहाँ आती हैं या आपने बुज़ुर्गों को देखा हुआ है, मुझे ये बताएं जैसे भी आपने इतने प्यार से उनको समझाया कि आप वहाँ जाके बैठ जाए ना
आप खड़ी हैं, टहल रही, गिर जाएंगी। तो मुझे बताएं क्या बुजुर्गों से क्या स्मेल आती है, या क्या बुजुर्गों का ये हद तक सिलसिला है कि आप उनको आप अवॉइड करना शुरू हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं, स्मेल तो इंसान को अपने आप से भी आती है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। सही बात है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जितनी खवातीन सब मौजूद हैं वो तमाम खवातीन बहुत ही माशाल्लाह साफ सुथरी पाकों पाकीज़ा खवातीन हैं। मैंने कभी किसी भी खातून को गंदा या मैला नहीं देखा। और अगर आप बात करते हैं खुशबू की या स्मेल की, तो माओं की जो खुशबू होती है उनके जो पसीनों में और उनके जो सर के तेल में जो खुशबू होती है वो तो ज़िंदगी भर याद रह जाती है, वो तो कभी भूल नहीं सकते। वो खुशबू तो ऐसी है कि बचपन से लेकर मरने तलक आपकी रच बस जाती है। क्या बात है ज्वेरी, आप खुशबू दे बेशक जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, आप क्या देख रही हैं ओल्ड एज हाउस, बुज़ुर्ग कहाँ जा रहे हैं? माना इनमें वो भी तादाद है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जो वाकई बेआसरे हैं, छत नहीं है, उनका तो फ़र्ज़ बनता है शेल्टर का, हुकूमत का बनता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे मामलात जो हो जाते हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, आप उन फैमिलीज को, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि इसकी इसको इसकी रोकथाम की जाए? अभी अभी मैं जितनी भी माओं से यहाँ पे मिली हूँ एक एक करके, तो उनमें से एक जो माँ है उन्होंने मुझसे गले मिली, और मुझसे गले मिलके उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि दुआ कीजिएगा मेरे लिए, तो उन्होंने कहा कि आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा और मेरे बेटे आसिफ के लिए दुआ करना, और दुआ करना कि मैं उससे मिल लूँ जाऊँ। तो आप किसी भी इंसान को कितना ही अच्छा माहौल दे दें, दुनिया की किसी भी जगह पर दे दें, उसको अपना घर, अपना खून, अपनी औलाद, अपनी औलाद की औलाद की याद हमेशा तड़पाती रहती है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हम हर तरह की आसाइश और हर तरह की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके खून के अंदर जो खुशबू होती है ना वो हम नहीं दे सकते। तो वो उन लोगों पर मुनसर है जो कि इन लोगों को यहाँ पे छोड़ के चले। और अजमेरिया ये भी इनसे कहो कि हमारी इनसे गुजारिश है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मिलो आके। हाँ, इनको आके मिलो, महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार, छः महीने, साल में एक बार आके, और मिलना ज़रूरी है। क्या पता अल्लाह ताला आपका दिल खोल दे। और बिल्कुल ये है कि आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा हिसाब देना पड़ेगा आके जाके, रिश्तों का जो रिश्ते अल्लाह ने जोड़े हुए हैं, तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है कि इनसे आके मिला करो, महीने में, दो महीने, तीन महीने, छः महीने, एक साल बाद इनसे आके मिलो। और बाकी हमारे लिए दुआ किया करें, हमारे हमसाय के लिए भी दुआ करें। अल्लाह से मान में रखे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके हमसाये अच्छे होते हैं। तो हम खुशकिस्मत है कि आप हमारा हमसाये हैं। बहुत लकी हूँ कि हमारे हमसाये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं दुआ किया करती हूँ, अल्लाह पाक ये काम अगर हमारे जिम्मे डाल दिया, हमसे ले रहे हो, तो मेरे बेटे का, मैं तो अंदर ही अंदर रहती हूँ, मेरे बेटे के साथ ना कोई मजबूत बाजू लगाते, ताकि मेरे बेटे को बताओ कि मैं थोड़ी सी आवाज़ निकालूंगा एक माओ के लिए तो सब इकट्ठी हो जाएंगे। साउद इस तरह का है, अल्लाह साउद को सेहत वाली जिंदगी, अल्लाह उसका घर आबाद रहे। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए, सबके लिए, और आप हमारे लिए करें, और माओ के लिए, और खासकर आपकी जैसी माँ सबकी खिदमत कर रही हैं। ये तमाम माएँ लोग समझते हैं कि बोझ हैं, लेकिन मैं बताऊँ माँ की आपकी मतलब कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह अपने बच्चों का बोझ जो है ना धो दे वो। और कहते हैं कि बाद मरने के भी बच्चों की खिदमत के लिए, बाद मरने के भी बच्चों की खिदमत के लिए भेस बेटी का बदल कर घर में आ जाती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे कि वो उनकी माँओं की सूरत में उनके घर में है, तो जिस तरह वो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उसी तरह अपनी माँओं से भी प्यार करते हैं। थैंक यू ज्वेरी आपिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इस वीडियो को, इस पैगाम को, स्पेशली ज्वेरी आपी के इस पैगाम को, इस शेर को, शार को लोगों तक शेयर कीजिए, और हक की, अच्छी और अपनाइयत का पैगाम दीजिए। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह।